सो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। अब रह गए हैं डे 18 फॉर रोड टू नरेश सूर्य क्लासिक, जिसकी मैं प्रैप कर रहा हूँ। आ गए हैं जिम में। जिम में आते ही मैंने किया अपना कंडीशन चेक करी मिरर में, और उसके बाद मैंने ली अपनी मील में अभी काप्स हैं थोड़े बहुत, तो थोड़ी बहुत एनर्जी है अभी। फिर मैंने अपनी मील प्रैप की पूरे दिन की मील प्रैप की। रात के अराउंड मतलब नेक्स्ट डे की करिए तो रात हो रही जिस टाइम पे, और 3 से 4 मील्स मैंने अपनी पैक करी ताकि पूरे दिन में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं अपने आप को रिफ्यूल करता रहूँ, अपने मील्स टाइमली खाता रहूँ। और मील पैक करने के बाद मैंने सारे जो मेरा वेट वेइंग मशीन है उसमें मैंने अपना सारा खाना मेजर कर किया, और देखे साथ में थोड़ी सी एप्सी कंडीशन वैस्कुलरिटी के साथ। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सर के पास जिम वर्कआउट करने। आज है मेरा हैम्स डे, तो 30 मिनट साइकिलिंग करी हार्ड करके, जिससे हमारा क्वाड हैम्स लेग्स ऑलमोस्ट रेडी हो जाए आपके मसल को हिट करने के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने फ्री स्क्वाट्स किए थे वार्म अप के लिए, और लेग कर्ल्स किए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इसमें। और ये सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो वाइड स्क्वाट्स है, डीप आपको रेंज ऑफ मोशन रखना है। उसमें मैंने लिए हैं 6 सेट 10 to 12 रैप्स, और हर बार वेट इंक्रीज़ करना है। इस प्रोग्राम को आप अपने एक्सरसाइज शेड्यूल में ऐड करना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, मैं ज़्यादा वेरिएशंस नहीं करता। मेरा जो रूटीन होता है वो होता है कि अपना लिमिटेड एक्सरसाइज होती है, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं करता। कुछ लिमिटेड एक्सरसाइज इफेक्टिव एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको मैं बस रिपीट्स करता हूँ और उसके सेट्स करता हूँ, जिसमें अच्छा खासा 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। दूसरा मैंने किया सुपर स्क्वाट्स, जो कि हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के लिए था। बहुत ही अच्छा प्यारा वर्कआउट है, आप लोगों की इसको ऐड करिए अपने वर्कआउट में। अगर आप लोगों के जिम में ये मशीन नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका अल्टरनेट ऑप्शन बताऊंगा, किस तरह से आप अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को ट्रेन कर सकते हैं इस मशीन की तरह। और इसके मैंने 6 सेट लिए हैं इसके भी सेम, और हर बार वेट इंक्रीज होगा। जो फर्स्ट सेट था वो 100 kg से शुरू किया था मैंने, क्योंकि इसमें इजीली हो जाता है। तो आपको ये करना है 20 रैप्स लेने हैं, ताकि हमारा मसल जो है वो मस्कुलर एंड्योरेंस में जाके ट्रेन हो, और साथ साथ हमारे मसल डिफाइन होते रहे। तो इसके अभी रैप्स चल रहे हैं। इसके बाद ये लेग कर्ल्स किए मैंने 8 सेट। ये एक्सरसाइज रूटीन